नमस्कार दोस्तों, INT20 शिवानी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ शिवानी तिवारी। बसंत पंचमी कब है, जानिए इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। बसंत पंचमी का त्यौहार 16 फरवरी 2021 को है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार बसंत पंचमी का त्यौहार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा का विधान है। मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की विधि विधान से पूजा करने वालों को विद्या और बुद्धि का वरदान मिलता है। शास्त्रों के अनुसार बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का जन्म हुआ था। कहते हैं कि बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा के दौरान कुछ बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। बसंत पंचमी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बसंत पंचमी के दिन किसी को अपशब्द बोलने से बचना चाहिए। इस दिन अपशब्दों व झगड़ों से भी बचना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन मांस मदिरा के सेवन से दूर रहना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन पितृतर्पण भी किया जाना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना बेहद जरूरी होता है। बसंत पंचमी के दिन बिना स्नान के भोजन भी नहीं करना चाहिए। इस दिन रंग बिरंगे कपड़े ना पहने, संभव हो तो पीले वस्त्र ही पहनने चाहिए। बसंत पंचमी के दिन पेड़ पौधे भी नहीं काटने चाहिए। बसंत पंचमी के दिन पितृतर्पण भी किया जाना चाहिए। बसंत पंचमी का शुभ मुहूर्त 16 फरवरी को सुबह 3:36 पर पंचमी तिथि लगेगी, जो कि अगले दिन यानी 17 फरवरी को सुबह 5:46 पर समाप्त होगी। बसंत पंचमी की कथा। इस दिन ही प्रकट हुई थी माँ सरस्वती। पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि के रचनाकार भगवान ब्रह्मा जी ने जब संसार को बनाया तो पेड़ पौधों और जीव जंतुओं में सब कुछ दिख रहा था, लेकिन उन्हें किसी चीज़ की कमी महसूस हो रही थी। इसलिए कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाल कर छिड़का तो सुंदर स्त्री के रूप में एक देवी प्रकट हुई। उनके एक हाथ में बीड़ा और दूसरे हाथ में पुस्तक थी, तीसरे में माला और चौथा हाथ वर मुद्रा में था। यह देवी थी माँ सरस्वती। सरस्वती ने जब बीड़ा बजाया तो संसार के हर चीज में स्वर आ गया, इसी से उनका नाम पड़ा देवी सरस्वती। और यह दिन था बसंत पंचमी का। तब से देवलोक और मृत लोक में माँ सरस्वती की पूजा होने लगी। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ सरस्वती जरूर लिखें। माँ सरस्वती की कृपा से आप लोग बहुत आगे बढ़ें। माँ आपको विद्या बुद्धि और धन सब कुछ संपन्न करें। तो दोस्तों, चलते हैं आगे, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।